हर्ब्स फॉर हेल्थ। प्यारे ऑडियंस, हर्ब्स जिनको हम जड़ी बूटियां भी कहते हैं, सदियों से हकीम डॉक्टर्स वो हर्ब्स से इंसानों की बीमारियों का इलाज करते आ रहे हैं। हर्ब्स से जानवरों का भी इलाज होता आ रहा है, मगर अब चूंकि टेक्नोलॉजी बदल गई है, मगर इनका इस्तेमाल, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल अभी भी उसी शिद्दत से जारी है। इनकी डिमांड्स में, इस्तेमाल में कमी नहीं आई, बस फ़र्क इतना पड़ा है कि कुछ केमिकल्स मिला के मेडिसन्स को अलग किस्म की शेप्स दे दी गई है, टैबलेट्स बना दी गई हैं, सिरप्स बना दिए गए हैं और मरहम बना दिए गए हैं। तो ये अपनी हैसियत नहीं खोए, फ़र्क सिर्फ इतना है कि टेक्नोलॉजी की वजह से इसका तरीकाकार बदल दिया गया है, मगर हमारे खानों में ये अभी भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे बेसिल है, थाइम है, ये सारे हर्ब्स जो है ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं। असली हालत में भी फ्रेश भी इस्तेमाल होते हैं। बहुत से ऐसे हर्ब्स हैं जैसे पार्सले है, ये हम इस्तेमाल करते हैं, और गैनो है, और यानी कि कोई ऐसा हर्ब नहीं है जो इंसान इस्तेमाल नहीं करता। हज़ारों लाखों किस्म के हर्ब्स मौजूद हैं इस ज़मीन के ऊपर, मगर अभी तक बहुत से हर्ब्स डिस्कवर भी नहीं हो पाए। साइंटिस्ट जस्तजू में लगे हुए हैं, एग्रीकल्चरलिस्ट भी कोशिश कर रहे हैं, तलाश मुसलसल जारी है, मगर ये कि इनके बारे में मालूमात भी होनी चाहिए। जैसे कि आप ये हर्ब्स देख रहे हैं, ये सारे के सारे, इनमें से बहुत से ऐसे हैं जो आप यूज़ नहीं कर सकते अपने खानों में। तो खानों के जो हर्ब्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 के करीब होंगे, मगर लाखों हर्ब्स ये हमारी सेहत के लिए कुदरत ने पेश किए, बनाए हैं, उगाए हैं, ताकि हम इनसे फ़ायदा उठा सकें। बहुत से लोग इनको घरों में भी उगाते हैं ताकि उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। अभी देखें इंसान कितनी मेहनत करता है इनको लगाने में, उगाने में और इनकी हिफाजत करने में। ये देखें, ये आसान काम नहीं है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है इसको लगाने में। फिर इंसानों की मेहनत इस तरह रंग ले आती है, कितने प्यारे खूबसूरत फ्रेश है पत्ते, आप देख सकते हैं। ये देखें आप, ये हेल्दी मशरूम्स हैं, इनकी हिफाजत भी की जाती है, फार्मिंग हो रही है। इंसान को हर चीज़ की हिफाजत करनी पड़ती है ताकि चीज़ ज़ाया ना हो। जड़ी बूटियाँ इंसान दोस्त हैं, हर्ब्स आर फ्रेंडली टू अस। देखें कुदरत ने कितने खूबसूरत फूल दिए हैं। आपको पता है कि फूलों से भी दवाइयाँ बनती हैं। इनको आप हर्बल फ्लावर्स भी कह सकते हैं, बहुत खूबसूरत भी हैं और इनके फ़ायदे भी हैं। हमारी हेल्थ में इनका बहुत बड़ा रोल है, हमें इनको ज़ाया नहीं करना चाहिए, इस्तेमाल में लाना चाहिए पॉजिटिव चीज़ों में। जहरीले हर्ब से दूर रहना चाहिए। प्यारे ऑडियंस, उम्मीद है आपको
ये हर्ब्स के बारे में पसंद आया होगा। अगली बारी मज़ीद मैं मालूमात लेकर आपके पास पेश होऊंगा। आप अपना ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें, खुश खुश रहें।